बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स बीपीएससी के अबाउट, और आप अच्छी तरह से जनाब हमारी अपडेट का वेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो जनाब आप तमाम स्टूडेंट का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको पता है कि आज के दौर में जो है कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला आपको जो है कम अज़ कम मालूम आप तक जो है फ्री पहुँचाते हैं। सबसे पहले जनाब गुड न्यूज़ ये है कि जो कॉमर्स कॉलेज का एक लेटर लिखा गया कि ये कॉलेज जो है मर्ज किए जाएँ और यहाँ पे आईटी हब बनाया जाए, और वो बात मेरी जो मैंने कही थी बिल्कुल दुरुस्त थी। काफ़ी तरह स्टूडेंट ने कहा कि सर नहीं, मैंने फलां बात की है, फलां बात की है, ये बात बिल्कुल ठीक थी। क्योंकि उसकी वजह यह है, मेरे इधर एक यूनियन है, उन्होंने अपनी स्ट्राइक की और स्ट्राइक एहतजाज किया है बहुत ज़्यादा, उसके बाद जो है उन्होंने ये लेटर विदड्रा कर लिया है कल, और ये जनाब जो उन्होंने 27/6 को लेटर इशू किया था, ये देख सकते हैं ये लेटर जनाब 27/6 को इशू हुआ था। तो ये लेटर नंबर 85 PA DPIC, तो लेटर नंबर PA DPIC ये विड्रा है। इसका मतलब ये है कि अब जनाब डिपार्टमेंट मजबूर हो गएगा और ये सीटें टेस्ट कैंसिल हो गए थे वो टेस्ट। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि टेस्ट जो होगा वो जनाब अब सीटें कम कर देंगे, सीटें कम कर देंगे। अगर पहले 60 थी तो अब 20 बन जाएंगी या 25, यानी 50 to 60% सीटें डिक्रीज होंगी। खैर कोई बात नहीं है, ये प्रोसेस होना चाहिए। किसी बंदे को तो रोज़गार मिल जाए, किसी के माँ के बेटे को तो रोज़गार मिल जाए ना, किसी के घर तो कम कम चलता है, किसी का चूल्हा तो जो है चलता है। तो ये जनाब इंशाल्लाह ताला ये अच्छी खबर थी जो मैंने आपसे शेयर की है। बीपीएससी की जनाब वो तमाम जो न्यूज़ हैं या तमाम जो चीफ सेक्रेटरी की जानब से आर्डर जारी हुआ, गवर्नर पंजाब की जानब से जारी हुआ, वो सारे धरे के धरे जाएंगे, सारी देख रहे हैं। तो बीपीएससी ने आज एडवर्टाइज नंबर जनाब 12 देकर सबको जो हैरान कर दिया, और तमाम स्टूडेंट जो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट लाहौर की सीटें हैं, और ये सीटें जनाब याद रखिएगा कि जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की 62 सीट्स हैं यहाँ पर। और इसके अंदर एक बड़ी अहम बात यह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है आल पंजाब बेसिस, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है आल पंजाब, यानी पूरे पंजाब में आपकी पोस्टिंग होगी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है ये पूरे पंजाब के अंदर है, तो लिहाजा आप तमाम स्टूडेंट अप्लाई करें। 3 साल कंट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी, 3 साल के बाद आप परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल FA प्लस कंप्यूटर चाहिए या फिर ICS आपके पास होना चाहिए, लेकिन इन दोनों शर्तों के अलावा आपके पास 40 वर्ड परमानेंट है, इंग्लिश के अंदर भी होनी चाहिए कंप्यूटर। प्रोफिशेंसी टेस्ट नहीं होगा इसका, और जनाब इसकी जो सैलरी होगी जो गवर्नमेंट के पे स्केल स्केल नंबर 12 की जो सैलरी होती है ऑलमोस्ट 40 से 50 हज़ार के दरमियान, ठीक है। पर जनाब ये बात काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सैलरी कितनी होगी ये सारा कुछ, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस सैलरियाँ जो होती है ना, इनको बंदा तब देखता है जब बंदे के पास नौकरी मौजूद होती है। जिसके पास नौकरी है नहीं वो जनाब अगर ये सवाल करें तो सवाल बनता नहीं है, ठीक है जनाब। तो इंशाल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट पहले नौकरियाँ लें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। बीपीएससी ने प्लानर को आज अपडेट किया, प्लानर को अपडेट करने में उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यू को मतलब है कि वो किया शेड्यूल लगाए, इंटरव्यू का शेड्यूल लगा दिया उन्होंने, और ख़ासतौर पर उन्होंने डॉक्टर के जो शेड्यूल है उसके भी लगा दिया। इसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी या डिप्टी कंट्रोल एग्जामिनेशन उसका इंटरव्यू भी लिया जा रहा है जनाब, और इसका जो इंटरव्यू है डिप्टी सेक्रेटरी का, हालांकि इंटरव्यू कैंसिल हो गए थे मेरे ख्याल में, दोबारा उन्होंने रीशेड्यूल किए हैं, और इसके अंदर जनाब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पेरेंट्स हैं। खैर तो ये जनाब अगले लोगों को उन्होंने कॉल करनी होगी शायद, तो ये जनाब एक बात है। तो इसके मुताबिक जनाब तमाम स्टूडेंट जो है अपनी तैयारी जारी रखें, इंशाल्लाह ताला आप अगर आपने मेहनत की ना तो मेहनत का फल जनाब अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको जरूर दिया, ठीक है। तो आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर जनाब ये पछताते रहेंगे और इल्ज़ाम लगाएंगे कि जनाब कमीशन ने हमारे ज्यादा की और करप्शन होगी, अपना सारी बातें, तो ये सारी बातें होती हैं जनाब फेक। और तमाम स्टूडेंट चाहिए कि आप अपनी तैयारी पर तोजो दें ताकि आप आने वाले वक्त में अपना अच्छा रोल करें। बीपीएससी का शेड्यूल डाला है जनाब, जो नेक्स्ट शेड्यूल बीपीएससी का सेकंड फेज कैनाल पटवारी का टाइपिंग टेस्ट आएगा वही चला कल या परसों अपडेट हो जाएगा। बीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर जनाब यहाँ मौजूद है, 12 मौजूद हैं और 4 एडवर्टाइजमेंट आपको नजर आ रही है, कितनी वेबसाइट कितनी प्यारी लग रही है। तो यहाँ पर एडवर्टाइज नंबर 13, उम्मीद है कल तो मुश्किल है परसों या जुमा, इन 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर एक ऐड जरूर और भी आएगा।
और संडे तक इंशाल्लाह ताला दो ऐड मजीद आ जाएंगे, जिससे जनाब बहुत सी जॉब खास तौर पर जिस सर्विस कोटा की जॉब कुछ पड़ी हुई है वो आ जाएंगी। असिस्टेंट एस एंड जी ए डी डिपार्टमेंट की जो सीटें हैं वो जनाब इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस हो रही है और वो डायरेक्टली अनाउंसमेंट की जाएगी, उनका कैलेंडर भी ऊपर कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कॉर्पोरल की तैयारी करें, इसका हमारा सेमिनार आने वाले एतवार को है, एतवार को शाम 6 बजे सेमिनार होगा, तमाम स्टूडेंट रेडी हो जाएँ इंशाल्लाह ताला। इसके अंदर मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट हमें ज्वाइन करेगा अगर उसका टेस्ट पास नहीं होता तो हम उसको फीस वापस कर देंगे, इससे बड़ी गारंटी मेरे ख्याल में और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हम तैयारी इस तरह करवाते हैं, हमारा टेस्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है, लेक्चर सिस्टम स्ट्रांग है, रिकॉर्डिंग बहुत करते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट अगर उसको करने वाले हों तो फिर स्टूडेंट लाजमी जनाब के। तो जनाब इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है, हमारे व्हाट्सएप चैनल को और कॉर्पोरल के सेमिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है व्हाट्सएप का, तो लाजमी ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात नेक्स्ट अच्छी गुड न्यूज़ के साथ होगी, तब तक ही मुझे जाए।